हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स पर। फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है हमारे एग्जाम में वो 4 to 5 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा ही जाता है हर शिफ्ट में। और अभी जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है लोको पायलट का, उस पर 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स आएंगे, इसलिए फ्रेंड्स हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर फोकस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन रहेगा करंट अफेयर्स पर 1 अगस्त 2018 पर। लास्ट वीडियो में जो क्विज का क्वेश्चन था उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्वेश्चन था, किस राज्य में इबोला वायरस की नई प्रजाति बाम्बाली वायरस को खोजा गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सियरा लियोन। सभी लोगों ने सही आंसर किया है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सियरा लियोन। अफ्रीकी महाद्वीप के सियरा लियोन में चमगादड़ में इबोला वायरस की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम इस क्विज को देख लेते हैं, किस राज्य में इबोला वायरस की नई प्रजाति बाम्बाली वायरस को खोजा गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सियरा लियोन। अफ्रीकी महाद्वीप के सियरा लियोन में चमगादड़ में इबोला वायरस की एक नई प्रजाति बाम्बाली वायरस को खोजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में रूपांतरण शहरी लैंडस्केप सम्मेलन आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 60,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है उनका नाम है राम नायक। ठीक है फ्रेंड्स, और लखनऊ से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पर है? तो वो लखनऊ में है। ठीक है फ्रेंड्स, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? लखनऊ में। तो ये तीन पॉइंट भी आपको याद रखना है लखनऊ से। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में रूपांतरण शहरी लैंडस्केप सम्मेलन आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 60,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है राम नायक। और लखनऊ से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पर है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है, और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? लखनऊ में। तो इतने पॉइंट फ्रेंड आपको इस पॉइंट से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने महिलाओं के T20 में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना इसका राइट आंसर है। भारत की बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने किया सुपर लीग के दौरान महिलाओं के T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने 18 गेंदों में ठीक है फ्रेंड्स अर्धशतक बनाया है। और मंदाना ने न्यूजीलैंड की सोफी डेविन के रिकॉर्ड की बराबरी की है, तो ये भी आपको याद रखना है, सोफी डेविन। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने महिलाओं के T20 में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना। भारत की बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने किया सुपर लीग के दौरान महिलाओं के T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी की है, और इन्होंने 18 गेंदों में अर्धशतक बनाया। मंदाना ने न्यूजीलैंड की सोफी डेविन के रिकॉर्ड की बराबरी की है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल तिहार लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल तिहार लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है रमन सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, रमन सिंह। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है उनका नाम है बलराम दास टंडन। क्या नाम है? बलराम दास टंडन।
ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को हम एक बार और देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल तिहार लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल तिहार लॉन्च किया है। और यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है उनका नाम है बलराम दास टंडन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रक्षा के लिए किस देश से मिसाइल रक्षा डाल खरीदने की योजना बना रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। यूएसए इसका राइट आंसर है। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, तो ये आपको याद रखना है। और अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, भारत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रक्षा के लिए किस देश से मिसाइल रक्षा डाल खरीदने की योजना बना रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। यूएसए इसका राइट आंसर है। और अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में डरबन में आयोजित तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन को। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में न्यूटन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जो मिला है वो मिला है बनीता दास को, तो ये आपको याद रखना है। किसको मिला है? बनीता दास को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार बनीता दास को मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ डरबन की बात हो रही है, डरबन कहाँ पर है? तो साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है, केपटाउन जो है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल, और प्रिटोरिया जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और ब्लॉमफॉन्टेन जो है वो है जुडिशियल कैपिटल। और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो है साउथ अफ्रीकन रैंड, तो ये आपको याद रखना है। क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड, RAND रैंड। और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्रिल रामाफोसा, क्रिल रामाफोसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में डरबन में आयोजित तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में न्यूटन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार बनीता दास को मिला। और फ्रेंड्स यहाँ हमने डरबन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे, तो जो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो है केपटाउन, लेजिस्लेटिव कैपिटल, प्रिटोरिया जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और ब्लॉमफॉन्टेन जो है जुडिशियल कैपिटल है। और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो है रैंड, RAND। और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है क्रिल रामाफोसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत किस देश के साथ आपसी परामर्श और देशों के पर्यटन के प्रचार के लिए एक मंच स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स नेपाल यहाँ आंसर है, तो नेपाल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। ठीक है फ्रेंड्स, और नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपालीस रुपी। ठीक है फ्रेंड्स, नेपालीस रुपी। और नेपाल के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। भारत किस देश के साथ आपसी परामर्श और देशों के पर्यटन के प्रचार के लिए एक मंच स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपालीस रुपी। और नेपाल के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में यूनिफाइड कमांडर सम्मेलन 2018 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय और तीन सेनाओं के बीच हर साल ये सम्मेलन होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस किस के बीच में? रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के बीच हर साल ये सम्मेलन होता है। तो यहाँ तीनों सेनाओं की बात हो रही है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी के चीफ की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो है बिपिन रावत। ठीक है फ्रेंड्स, बिपिन रावत। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेवी के चीफ की, तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ,
वो है सुनील लांबा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरफोर्स के चीफ की, तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वो है बीरेंद्र सिंह धनोआ, बीरेंद्र सिंह धनोआ। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में यूनिफाइड कमांडर सम्मेलन 2018 कहाँ शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। हर साल यह सम्मेलन होता है रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ तीनों सेनाओं की बात हो रही है, तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो आपको पता होना चाहिए, वो है आर्मी के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिपिन रावत, और नेवी के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ द नवल स्टाफ सुनील लांबा, और एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बीरेंद्र सिंह धनोआ। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने नई प्लेनेट हंटिंग प्रोब शुरू की है। नई प्लेनेट हंटिंग प्रोब नासा ने शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नासा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई प्लेनेट हंटिंग प्रो का नाम क्या है, तो जो नाम है वो है TESS, आप नोट कर लें TESS। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट करता हूँ, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ नासा की बात हो रही, तो नासा के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट करता हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, और इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 29th of July 1958 को स्थापना हुई है नासा की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी नोट कर लें आप, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो एक बार और हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में किसने नई प्लेनेट हंटिंग प्रोब शुरू की है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नासा ने, और नई प्लेनेट हंटिंग प्रोब का जो नाम है वो है TESS, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने यहाँ नासा की बात की थी, नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा की जो स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958 को हुई है, और नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। इतने पॉइंट फ्रेंड आपको याद रखना है। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़ी जातियों के जनगणना करने का निर्णय लिया है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तेलंगाना इसका राइट आंसर है। जनगणना भारत में हर 10 वर्ष में होती है। पिछली बार जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 2011 में। ठीक है फ्रेंड्स, 2011 में, और अब जो होगी वो होगी 2021 में। अब जो होगी वो होगी 2021 में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तेलंगाना की बात हो रही है, तो तेलंगाना के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और तेलंगाना के जो CM है उनका नाम है K. चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के जो गवर्नर है उनका नाम है ESL नरसिम्हन। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैदराबाद से रिलेटेड, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़ी जातियों के जनगणना करने का निर्णय लिया है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। जनगणना भारत में हर 10 वर्ष में होती है। पिछली बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में, और अब जो जनगणना होगी वो होगी 2021 में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ तेलंगाना की बात हो रही है, तो तेलंगाना के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, तेलंगाना के जो CM है वो है K. चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के जो गवर्नर है उनका नाम है ESL नरसिम्हन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैदराबाद से रिलेटेड, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपको याद रखना, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत किस देश से NASAMS खरीदने की योजना बना रहा है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर है। और NASAMS का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। एक बार और रिपीट करता हूँ, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है Washington DC। ठीक है फ्रेंड्स, Washington DC। और अमेरिका की जो करेंसी है वो है USD, United States Dollar। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है Donald Trump। ठीक है फ्रेंड्स,
डोनाल्ड ट्रंप। तो एक बार और हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, भारत किस देश से NASAMS खरीदने की योजना बना रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, यूएसए से। ठीक है फ्रेंड्स, और NASAMS का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और यहाँ अमेरिका की बात हो रही तो अमेरिका की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, अमेरिका की जो कैपिटल है वो है Washington DC, अमेरिका की जो करेंसी है वो है USD, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है 2018 में किसने अपना पहला टूर दी फ्रांस जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और इस क्विज का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।